नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाला था। अगर अनुज की बात करें तो बहुत ज़्यादा दिल दुखा है अनुज का इंडिया जाने वाले कांड से। तो खैर, एपिसोड है आगे बढ़ा, मगर एक चीज़ जो मैंने आज सुबह से आपसे बात नहीं की, शेयर नहीं की, वो ये थी कि मुझे केंजल के प्रति अनुपमा का रवैया थोड़ा सा पहले से रूखा लगा। जब अनुपमा आती है वापस जो पुलिस स्टेशन से, तब भी जब केंजल ने मम्मी करके हग किया था, तब भी अनुपमा के उस हग में वो वाला वार्म्थ नहीं था। आज भी अनुपमा जब एपिसोड में हमने देखा आई, और अनुपमा ने आके सिर्फ कहा कि केंजल से ये बनेगा नहीं तो मैं आपके लिए, बा के लिए मतलब, और परी के लिए खाना बना के लाई हूँ, तब भी कोई वार्म्थ मुझे वैसे वाला दिखा नहीं, और ना ही मुझे वो लुक एक्सचेंज वो सब दिखा। तो खैर, ये मेरी ऑब्जर्वेशन, आप लोग भी बताइएगा कि आपको ऐसा लगा है। आपके रिव्यूज भी आए हैं और वो बहुत अच्छे हैं जैसे हमेशा ही होते हैं। सुनते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो रिव्यू सुनाने से पहले मैं हमेशा भूल जाती हूँ, जब से कुमुदिनी जी के बेटे का बर्थडे हुआ है और महिमा के बेटे का बर्थडे हुआ है, मैं रोज विश करना भूल जाती हूँ। तो पहले आप दोनों मदर्स को आपके सन्स के लिए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और हमेशा वो और आप साथ में रहें, खुश रहें और हर तरक्की आपके बच्चे जो हैं पाएं, यही दुआ है मेरी। तो चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज़। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदिनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके इतने मोटिवेशनल एंड लवली कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महिमा जी, आपके बेटे के लिए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा सबकी बातें याद कर रही है जो किंजल के घर हुई थी। कान्हा जी मदद जरूर करेंगे, अनुपमा असली मुजरिम जल्द तुम्हारे सामने आएगा। अनुपमा को अब अनुज याद आए कि कहीं मुसीबत में तो नहीं है अनुज। अब तो अनुज गया काम से, श्रुति के जाल में बुरी तरह फंस गया। हमको अच्छा नहीं लगा अनुज का इंडिया जाना। दादी अम्मा कितनी खुश हो गई है, अब तो कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। जाने के लिए तो नहीं आए हो, श्रुति के इन शब्दों का क्या मतलब है? मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये शब्द हमको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे अनुज के। सच में क्या हो गया है अनुज, तुम सच में क्या हो तुम अनुज? अब तुम श्रुति के जाल में पूरी तरह फंस गए हो। फोन आने पर आद्या के कान खड़े हो गए, उसको अच्छा नहीं लगा। श्रुति का नाटक देखो, अनुज को देखकर सही होने लगी। झूठी मक्कार श्रुति सिर्फ अनुज को पाने का नाटक कर रही है। अनुज के ही लोगों ने काम किया था अनुपमा की बेल पर। अनुज को जब पता चला अनुपमा की बेल हो गई, तब बहुत खुश हो गया अनुज। अनुज ने सारे सीसीटीवी फुटेज मंगाए हैं मोहित से, और उस एम्प्लाई का स्टूपिड इंडियन कुक औरत बोलना और अनुज का उस एम्प्लाई को सुनाना अच्छा लगा। और वो केस वापस नहीं ले रहा है मिस्टर झवेरी, अच्छा है, तभी तो तोशु को सजा मिलेगी। अनुपमा इनोसेंट है, उसने चोरी नहीं की, और जिसने की है उसका मैं पता लगा कर रहूँगा, और रही बात केस की तो मैं हैंडल कर लूँगा। वाह अनुज, तुम्हारा इस तरह इंडिया आना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो भी नाटकबाज श्रुति के लिए। तोशु की हाँ में हाँ मिलाकर वनराज बहुत गलत कर रहा है, और बात तो है ही बदतमीज, उसके लिए क्या बोलें। जो वनराज शाह कह दे वही पत्थर की लकीर है उसके लिए। दिया को भी पूरा भरोसा है अनुपमा पर, अगर भरोसा नहीं है तो उसके अपनों को नहीं था जिसके लिए कुर्बान रही। क्या बात कही दिया ने, भरोसा हो तो सबूत की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल सही बात बोली है। दो नए बैच अनुपमा को और मिले डांस सिखाने के लिए। लो दिया ने क्या क्या कह दिया यशदीप के लिए, लगता है बेल के पैसे शायद अनुज ने दिए हैं। बात देखो कैसे बोल रही है अनुपमा के लिए। सही कहा अनुपमा ने कि आज टीवी पर यह न्यूज़ आई है तो कल ये न्यूज़ भी आएगी कि अनुपमा जोशी निर्दोष है, असली चोर का पता चल गया और वो पकड़ा गया, पक्का आएगी ये न्यूज़। तब वनराज और तोसु के चेहरे देखने लायक थे। अनुपमा क्यों आती है इन गंदे लोगों के लिए खाना लेकर, ये बात समझ में नहीं आती है।
और बा जवान लड़ा रही है। उसको सुनती है, उसकी बकवास का जवाब देती है अनुपमा। सफाई कर्मचारी बनकर उसकी बात की सफाई देती रहती है। क्यों आती है अनुपमा इन मनुष्यों की शक्ल देखने और खाना देने? ये सब सांप हैं सांप। सांपों को दूध पिलाओगी तो वो तुमको ही डसेंगे। और काव्या का फोन तक वनराज ने नहीं उठाया। अनुज को बुलाकर देवी जी श्रुति ठीक हो गई हैं। अनुज सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देख रहे हैं और दादी अम्मा जासूसी करने का प्रयास कर रही हैं अनुज की। अनुपमा बातें याद कर रही है। एक तरफ बा देखो कैसी बातें कर रही थी और आज दूसरी तरफ बीजी दीपू सब कैसी बातें करते हैं। अनुज उस गुंडे की पिक देखता है तो उसको याद आ जाता है। और लो, अनुज ने देख लिया तोशु को वो हार अनुपमा के पर्स में रखते हुए। अनुज के तो होश ही उड़ जाते हैं। सब तार जुड़ते चले गए अनुज के दिमाग में गुंडों वाले। उस समय अनुपमा की भी बहुत बड़ी गलती थी। उसने अनुज को गुंडों वाली सच्चाई नहीं बताई थी। अगर बताती तो अच्छा रहता, पर बताया ना, अनुपमा हर काम को पहले बिगाड़ देती है, बहुत देर कर देती है काम को सही करने में। अनुज ने अनुपमा को फोन करके बता दिया कि तोशु चोर है। तो अनुपमा सुन्न क्यों हो गई हो? क्या तुम नहीं तोशु को जानती हो कि वो चोरी भी कर लेता है? इसमें क्या नया बात है? डिम्पी बहुत खुश है अपने बेटे को अपने पास पाकर। दोनों बच्चों की ड्राइंग अच्छी लगी। डिम्पी टीटू से बात करके बहुत खुश है। और तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है काव्या। अगर होती तो इस नरक में ना पड़ी होती, अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देती, इस वर्रा शाह को न झेल रही होती। अब तुम्हारी बकवास सुनना अब अच्छा नहीं लगता है काव्या, चुप हो जाओ, कोई स्टैंड तो लेती नहीं हो। और प्री कैप में देखा अनुपमा के बर्थडे की तैयारियां स्पाइस एंड चटनी में हो रही हैं। तभी अनुज अनुपमा के सामने, अनुज कह रहे हैं अनुपमा से कि तुम चाहो तो मिस्टर झवेरी से केस मैं वापस ले लूँगा, वो ले लेंगे केस। पर अनुपमा ने कहा नहीं, अब वही होगा जो मैं चाहूँगी, जो मैं करूँगी। तो उसको सबके सामने अपना जुर्म कबूल करना होगा। बिल्कुल सही ट्रैक पे तुम अनुपमा जा रही हो। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। महिमा जी, टू बी लेटेड आपके हर्षित को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, और आपके बेटे को जीवन की हर खुशियाँ मिले, यही कान्हा जी से मेरी प्रार्थना है। अंजू जी, कल का आपका वीडियो भी देखा था कि वनराज क्यों चुप है। उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से समझाया था कि अनुपमा तोशु को कुछ बोल रही है और वनराज चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वनराज फिर भी चुप है क्योंकि वो थोड़े से अंदर से गिल्ट में हो। अभी अनुज तोशु को समझा कर आया है कि तुमने अपनी माँ के साथ गलत किया, और तोशु आँखों में आँखें मिलाकर अपनी माँ से इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा वनराज को धक्का लगा होगा। और आज का सवेरे का वीडियो देखा आपका कि यशदीप जी के भरोसे इस हालत में अनुपमा को छोड़ के आ गए अनुज, और फिर जलन किस बात की, यह किस तरह का प्यार है, वो भी अच्छा लगा। और दूसरे वीडियो में आपने बताया कि अनुज भौचक्का रह गया अनुपमा के नए रूप को देखकर, वो वीडियो भी अच्छा लगा। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा, अनुपमा आज परेशान है अंदर से कि वो अनुज के बारे में सोच रही है और कान्हा जी से प्रार्थना कर रही है कि भगवान असली गुनहगार को पकड़वा दीजिए, मेरे लिए, रेस्टोरेंट के लिए और अनुज के लिए। अनुज ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उसने विश्वास करके तोशु को जॉब भी दी, और मेरे लिए अनुज को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा होगा। और अनुज को वकील का फ़ोन आता है यहाँ पे कि अनुपमा जोशी की बेल हो गई है। ये सुनकर अनुज थोड़ी समय के लिए खुश हो गए, चलो यशदीप जी ने करवाई। फिर यशदीप के जी के नाम सुनकर थोड़ी देर के लिए उनको जेलसी भी होती है। और उसी समय अनुज ने अपने एक स्टाफ को फ़ोन किया कि मोबाइल का या सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, तुम पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, पूरे के पूरे वीडियो मुझे भेजो इस इवेंट के, मैं देखना चाहता हूँ। और मैं अनुपमा, तो वो अनुपमा के लिए बदतमीजी से बोल रहा था कि वो इंडियन कुक की वजह से हमारी इतनी बदनामी हुई और आप पर केस किया उस ज्वेलर ने, और
वो आप आपके जाने से और केस वो हो गया कि आप डर कर भाग गए हैं। तब अनुज किसी और के मुंह से अनूप के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, तो आद्या इतनी बदतमीजी से बोलती है तो क्यों सुन लेते हैं अनुज, मेरी ये समझ में नहीं आता अंजू जी। अनुज को इतनी बदतमीजी से आद्या बात करती है तो अनुज सुन लेते हैं और मोहित को बोल दिया कि तुम अनुपमा इनोसेंट है, मैं उसे किसी भी तरह से बेगुनाह साबित करके रहूँगा। ये सब कुछ अच्छा लगा, पर अंजू जी मुझे आज अनुपमा का किंचल के घर पे बाके लिए खाना लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है। बा बाहर का नहीं खाती तो बा ने तुम्हारे लिए कौन सी ऐसी बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी अनुपमा। हालांकि एक तरह से अच्छा हुआ कि उस समय टीवी में न्यूज़ चल रही थी तो बा के सामने ही अनुपमा ने कह दिया कि बा आज टीवी में न्यूज़ आई है तो कल ये भी आ जाएगी कि अनुपमा निर्दोष है और असली गुनहगार पकड़ा गया है। ये सुनकर बा वनराज और तोशु के तोते उड़ गए। और तोशु जैसे घर खर्च खुद चलाता है पूरा घर, तो परी को तुम आज स्कूल नहीं भेजोगी, परी को ना स्कूल भेजने का वैलिड रीज़न भी बता दो। वनराज समझ गया कि अभी ये किंजल का शक है ही उस पर और मजबूत हो जाएगा, तो वनराज ने किसी तरह से बात को संभाल लिया और कह दिया कि किंजल थोड़े दिन के लिए हम हैं यहाँ पे, तो परी को हमारे साथ टाइम स्पेंड करने दो। किंजल मान गई, पर अभी उसका तोशु पे शक मजबूती में बदल गया है और बा को अभी चिंता हो रही है। तो बा के लाडलों ने बा के लिए बहुत अच्छे तोहफे तैयार किए हैं। बा आपको कल पता चलेगा कि ये सारा कांड तोशु ने किया था, अनुपमा ने नहीं, तब क्या करेंगी आप? इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी अनुपमा को कि अनुपमा तू माँ होने का फ़र्ज निभा, और परी कैसे रहेगी अपने पापा के बिना, किंजल अनजान देश में कैसे रहेगी? तो आप लोगों को ये नहीं लगा कि उस तोशु की वजह से अनुपमा को कितनी मानसिक त्रासदी सहन करनी पड़ी होगी? उधर दिया जी ने अनुपमा को अपने डांस एकेडमी में बुलाया और अनुपमा डर रही थी कि मेरी वजह से कहीं आपका नुकसान हो गया, कहीं किसी पेरेंट्स ने डांस एकेडमी में अपने बच्चों को भेजने से मना कर दिया तो क्या करेंगे? तो दिया जी ने ये कह दिया कि हम सब आपको जानते हैं, आपने कुछ नहीं किया है और मैंने ये डांस एकेडमी फाइनेंशियल उसके लिए नफ़े नुकसान के लिए नहीं खोली है, मैंने इमोशनली लोगों को सपोर्ट देने के लिए खोली है। ये सुनकर अच्छा लगा, पर यशदीप जी के बारे में उन्होंने जो कुछ बताया अनुपमा को कि यशदीप जी यहाँ पे इतनी महंगी है ये बेल करवाना और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, वो तुम्हें उस पर एक ही जुनून था कि उसे किसी भी तरह से तुमको छुड़ाना है, तो इसीलिए वो तुम्हारे लिए तो अपनी किडनी भी बेच देगा। तो अनुपमा ने कहा कि नहीं, अपने दिमाग पर अभी उसने कंट्रोल रखा है, पर यशदीप जी के एहसानों के नीचे अनुपमा अब दबती जा रही है। और उधर शाह हाउस में अंश का बदला हुआ रूप देखकर काव्या और बापूजी खुश हैं। काव्या का फ़ोन वनराज इग्नोर कर रहा है, लेकिन काव्या ने भी अब ठान ही लिया है और अंश को माही और ईशानी को ड्राइंग सिखाते हुए देख के अच्छा लगा। आखिर ये समर का ही बेटा है, धीरे धीरे अपनी माँ की फीलिंग को समझेगा। और टीटू और डिम्पल का सीन बिल्कुल बकवास लगा अंजू जी। अगर डिम्पल को टीटू से शादी करनी है तो अपने अंश को शाउज में ना छोड़ के जाए, अपने अंश को साथ में लेके जाए, मैं यही चाहती हूँ। और एक श्रुति का आज फुल ऑन ड्रामा लगा अंजू जी। हालांकि मैं मेडिकल लाइन के बारे में इतना नहीं जानती, लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से इतना तो कह सकती हूँ कि हमारा हम जिस सदमे की वजह से बेहोश हुए हों तो हमारा छोटा मस्तिष्क जो होता है वो उसमें वही सदमा चल रहा होता है। अनुज को देखते ही श्रुति की आंखें खुलना और आद्या आज दादी माँ हो वैसे अनुज को बार बार देख के जा रही है, मेरा लाडला बिगड़ नहीं, घर की बड़ी बुजुर्ग हो इस तरह से बार कि किसी गर्लफ्रेंड से बात तो नहीं कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, ऑफिस का काम ही कर रहा है ना, ये देख के जाना मुझे आद्या का अच्छा नहीं लगा। अनुज को अब डिसीजन लेना ही होगा कि उसे आद्या चाहिए या अनुपमा, क्योंकि अगर अनुज को अनुपमा मिलने नहीं आई थी, अनुपमा को इस समय मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी,
उस समय आप उसे उसके हाल में छोड़ के चले गए इंडिया और फिर वापस आ जाते हैं उस रविवार के आने वाले प्रोमो में, और अनुपमा को कह रहे हैं कि मैं तोशु के लिए ये केस छोड़ दूंगा। तो अनुपमा का बदला हुआ रूप देखकर अनुज भौचक्के रह जाएंगे, पर मुझे लगता नहीं अंजू जी, क्योंकि आज भी अनुपमा अपने फर्ज अपने रिश्ते, मुझे तो लगा था कि अमेरिका आने के बाद में अनुपमा का वो आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे, लेकिन यहाँ तो वो उसी घिसे पिटे रिश्तों में बंधी रह रही है। आज अनुपमा किंजल के घर खाना लेके आई, तो क्या तोशु को जेल होते देख पाएगी अनुपमा? नहीं देख पाएगी अंजू जी, कहीं फिर पिघल जाएगी वो, अपना दर्द भूल जाएगी, फिर पिघल जाएगी, इस तरह का ही करेगी। मुझे नहीं देखनी ऐसी अनुपमा, मुझे मजबूत अनुपमा को ही देखना है अंजू जी, जो अपने निर्णय पर अडिग रहे, जो अपने बारे में वो आज बाके लिए खाना लेके आने की ज़रूरत ही नहीं थी अनुपमा को, तो कैसे वो कर पाएगी? क्योंकि अब्बा और वनराज तो परी और किंजल के नाम से इसे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे ही करेंगे। और अनुज ने आज श्रुति से वादा तो नहीं किया, लेकिन ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ और मैं अभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। हाँ, पर अनुज को अब कड़े फैसले लेना ही होंगे, क्योंकि उसे अनुपमा ढूंढने नहीं आई थी, आप उसके हाथ की चाय का स्वाद सुनकर स्पाइसन चटनी में ढूंढने गए थे। तो या अनुपमा के लिए आप कह दो अध्यय से कि मुझे अनुपमा चाहिए, मैं श्रुति को नहीं स्वीकार पाऊँगा, और या फिर आप श्रुति के साथ शादी करके खुश रहिए। थैंक यू अंजू जी। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा, आज के शो में मुझे बहुत सी बातें ऐसा लगा कि जैसा अनुज का अनुपमा का वो अनुज के लिए सोच रहा हो, तो हमेशा अनुपमा का ऐसा होता है कि अनुपमा हमेशा अनुज के लिए सोचती है, कि जैसे वो आज उसकी जो फीलिंग दिखाई अनुज के लिए, कि जैसे अनुज को परेशानी तो नहीं होगी, कहीं मुसीबत पे तो नहीं पड़ गए, पर अनुज पहुंच गया इंडिया। मुझे लगा था कि वो शायद अनुज का या फिर अनुपमा खुद भी सोच रही होगी कि कहीं इंडिया तो नहीं चले गए अनुज, या फिर श्रुति का जो भी श्रुति तो नहीं, श्रुति बेहोश है, बट आद्या भी सोच सकती है ऐसा कि पापा आप से आ गए ये जो भी ऐसा, तो मुझे लगा, पर नहीं, वो हकीकत था। बुरा लगा अंजू जी, वाकई में बहुत बुरा लगा। हम नहीं चाहते थे, कल सब लोग कह रहे थे कि अनुज इंडिया पहुंच गया है, वो सीन दिखा रहे, फिर भी एक लग रहा था, उम्मीद थी कि नहीं अनुज नहीं जाएगा, वो शायद सपना हो सकता है, आज एक उम्मीद फिर से बंद थी कि वो सपना है, पर नहीं, वाकई में अनुज ने वो गलती की, नहीं जाना चाहिए था। बट ये गलती अगर अनुज करेगा नहीं, तो अनुज को अपनी उस गलती 5 साल पहले की गलती का एहसास कैसे होगा? वो तो अभी भी इसको ये भी एहसास नहीं है कि उसने उसको क्या क्या कहा, बस यही कहा तुम क्यों छोड़ के गई, मैंने जो भी कहा गुस्से में कहा, पर बहुत से गुस्से में बहुत सी बातें कह दी थी। तो यहाँ मुझे वही लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाली जो जिस बात को लेके जो इनका तमाशा जो बात हुई फर्स्ट प्रायोरिटी, तो यहाँ वो प्रायोरिटी अब उसको समझ आएगी कि मैंने भी आज वही किया, प्रायोरिटी अपनी बेटी को दी, जो अनुपमा अपने बच्चों को जो बने बच्चों में तो उसने भेदभाव नहीं किया, पर जहाँ ज़्यादा थे वहाँ दिया, तो आज वो ये सोचेगा कि बीमार है, मेरी बेटी रो रही है, यहाँ वो उसको लगेगा ये गलती की है ना, तो गलती इस गलती से उसको उस गलती का एहसास होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेकर शायद अनुज की वो गलती उसको रियलाइज कराना चाहते होंगे इस आज के ये जो सीन डाला उसके लिए, तो मुझे ऐसा लगा। पर वो सोच तो अनुपमा के लिए रहा है, पर एक उसके मन में दीपू का भी ख्याल आ जाता है, जलन वाली भावना भी आ जाती है, तो एट ए टाइम इतना कुछ दिखा देते हैं। और दूसरी बात है कि वो वकील से बात करना, तो वकील से बात करना डेफिनेटली फी को लेके था एडवोकेट से, पर यहाँ पे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जैसे आदिया ने डाला कि उसने कैसे इंतजाम किया, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने कहीं ना कहीं से लोन लिए होंगे, शायद कहीं लोन लिया, पूरी तरह से उसने ये नहीं कहा कन्फर्म कि उसने लोन लिया, उसने कहीं से लोन ही लिया होगा क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है।
तो जहाँ तक हो सकता है कि अनु जी इस बात को समझता है कि अगर बेल कराना है तो पैसे की भी जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ वो दीपू से शायद बोला होगा, या फिर अब जैसे हम बोलते हैं कि हमेशा अनुज ने ये समझा है कि अनुपमा कभी अनुज से पैसे नहीं लेंगी और अभी तो बिल्कुल भी नहीं लेगी, तो यहाँ मुझे वो लगता है कि वो दीपू को बोलता होगा कि ले लो भाई पैसे, अभी अनुपमा में से कभी नहीं लेगी और बताना नहीं है, कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि दीपू का उस दिन जो अनुपमा से कहना कि अनुज भी कभी माफ नहीं करेंगे, तो ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला था, और ऐसे कहीं भी दीपू के मन में ये नहीं दिखाया कि अनुज छोड़ के चला गया, अनुज है नहीं या अनुज का जिक्र नहीं किया, तो यह मुझे वो लगता है, क्योंकि जब वो देख रहा था कि अनुज कितना तड़प रहा है, कितना हाइपर हो रहा है, कितना परेशान हो रहा है जो हमने देखा उसे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच की बात हो सकती है कि दीपू को पैसे की जरूरत हो और अनुज से अनुज ने दीपू भी ऐसा नहीं है कि अनुज से मांगेगा, पर यहाँ अनुज खुद भी कह सकता है अब वो गया नहीं जाना चाहिए था, ये बात तो सही है, इमोशनली अनुपमा मेरी अनुपमा कहता है तो वहाँ रहना चाहिए, बट रही बात है कि बेल कराने का, तो बेल के कागज तो दीपू के नाम से ही बनेंगे भाई, क्योंकि वो एम्प्लॉय है अनुपमा दीपू की उस रेस्टोरेंट की, तो अपने एम्प्लॉय को बचाना अपने एम्प्लॉय में, क्योंकि वो काम के सिलसिले में वह इवेंट में है, कोई पर्सनल चोरी या ये नहीं था, वो इवेंट में उस चोरी का इल्जाम उस पर लगा था, तो उसमें अपने एम्प्लॉय पर विश्वास करना और अपने एम्प्लॉय को विश्वास करना वो उसका पर्सनल वाली बात है, क्योंकि अनुपमा है ऐसी, पर एक रहता है कि हम अपने अपने इसमें अपने एम्प्लॉय पर विश्वास किया जाता है और उसको बेल भी दी जाती है, जनरल बता रही मैं, तो यहाँ मुझे ये लगता है, और पर्सनली वो अनुपमा को जैसे जानता है, जितना जानता है, जितना जब से कि पता है कि अनुपमा ऐसा कभी नहीं करेगी, जो रात भर सही बात है जो रात भर फुटपाथ पे सोई होगी, जिसने अपने लिए पानी का भी किसी से मांग के नहीं पिया, पानी के पैसे जब उसको पता चला कि पानी बिकता है यहाँ पे, तो उसने उसके बाद अपनी मेहनत से पानी पिया, किसी का चुराया नहीं, किसी से कुछ नहीं किया, तो ये अच्छे लोग जानते हैं इस बात को, तो यहाँ मुझे वो लगता है। दूसरी बात है कि अभी जैसे अनुज का फिर से रिकैप में दिखाते हैं यहाँ आना, तो ये वही है कि वहाँ पे भी अब जैसे उसकी कंपनी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी कंपनी पे केस कर दिया, या फिर वहाँ पे उसको अभी जैसे पता चला कि अनुज कहते हैं तोशु इसका जिम्मेदार है, तो वो एम्प्लॉय भी है, तो उसका अनुज का एम्प्लॉय भी है, तो यहाँ सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहीं ना कहीं वो अभी श्रुति को और आद्या को भी साथ में लेके आ सकता है कि चलो यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं दोनों जगह मैनेज नहीं कर सकता, या कुछ भी ऐसा बोल लेगा या लेकर आएगा, तो यहाँ वो दिखाते हैं फिर अनुज का अनुपमा से वो बात करना देखा हमने, बट यहाँ पे मैं एक बोलूँगी श्रुति के लिए, कल रीता जी का जो वॉइस था वो वाकई में बहुत दिल को छुआ, कि सही बात है, बहुत अच्छे मुद्दे पे बोला था कि श्रुति ने किया ही क्या है, कैसे संभाला है आद्या को, कैसे संभाला है, मुझे बताओ कि पेरेंट्स की डेथ होने के बाद ठीक है दुखी होना दर्द होना, अचानक से जो पेरेंट्स उससे मिलने आ रहे थे फ्लाइट वो क्रैश होना वो सब अपनी जगह सही है, बट हम अगर चूज अपने साथ किसी को लेकर आते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आते हैं, और वहाँ पे आके उसको देखना और वो बेहोश होना और उसका वो जो दीन में और फिर अनुज का ही नाम लेना ये सब जो कर रही है, तो ये क्या संभाल रही है भाई, अगर हम पे अगर दुख का पहाड़ किस पे नहीं टूटता, क्या अनुज अनुपमा के समय समर के डेथ के समय वो अचानक उसको गोली, उसके एक जवान विधवा बहू जो प्रेग्नेंट है उस हालत में उस अनुपमा पे उसे क्या, तो पर भी उसने संभाल के सबको संभाला था ना, खुद बेहोश होके नहीं पड़ी थी, उसे पूरे परिवार को संभाला था, सबको खाना खिलाया ये किया सब सब कुछ अनुपमा ने, उसे क्या छोटी को भी संभाला, तो यहाँ मुझे वही लगता है कि श्रुति कर क्या रही है, एक रिस्पॉन्स उस पर विश्वास रख के अनुज ने अपनी बेटी को भी उसके साथ भेजा, तो यहाँ मुझे वो श्रुति का वो सही नहीं लगता कि ये बात छोटी छोटी बात अनुज को माइंड में आना चाहिए कि जो अनुपमा कर सकती है वो श्रुति नहीं कर सकती, अगर कुछ भी हो जाता अगर उसको बेहोश हो जाता जैसे कुछ होता है, अभी हॉस्पिटल में कितना ज़्यादा आजकल बहुत सी जगह ऐसे गलत भी दिखाते हैं, तो तुम अगर हॉस्पिटलाइज हो रही हो ये हो रहा है, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अनुज को अभी छोटी छोटी बातें समझना पड़ेगा, श्रुति में और अनुपमा में वो डिफरेंट देखना पड़ेगा कि श्रुति सवाल कर रही है, क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम उसकी बढ़ा रही है, अभी पहले वो 4 साल उसको पैनिक अटैक पर कहाँ उसकी गलत फहमी दूर कर पाई, कहाँ उसको बदतमीजी करके ना रोक पाई,
तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और दूसरी बात है कि जैसे अभी पब्लिक वाइस पे एक मुद्दा था कि अनुज का वहाँ इंडिया में फैमिली है, जैसे अंकुश है उसका भाई है, जो भाई कहता है फैमिली है जो कहता है, तो मुझे लगता है कि अनुज वहाँ सब बेच कर आया। अब ये अंकुश वगैरह जब कैसे थे, अनुज के पैसों के लिए इंडिया आए थे, उसके पैसों पर उसके बिजनेस पे, जब तक उसके साथ उसका भाई था तो उसको साथ लगा। अच्छा जब अनुज ने सब बेच के आया, इसका मतलब इससे क्या नाम है उसका, अधिक ने भी दूसरी जगह जॉब किया, तो यानी उसको अंकुश को कुछ दिया ही नहीं होगा, अनुज ने कुछ थोड़ा बहुत पैसे दिए होंगे जो भी। तो यहाँ वही होता ना कि पैसा है जहाँ जिधर दम उधर हम वाली बात है। तो यहाँ मुझे लगता है अंकुश को वो कैसे बोलेगा कि आप, क्योंकि इन लोगों ने भी कभी पलट के नहीं देखा होगा अनुज की तरफ, जो 5 साल या वो आध्या मैं और मेरी आध्या जो कह रहा है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अंकुश ने भी यही पल्ला झाड़ लिया होगा, क्योंकि जैसे बरखा है ही उसको कि अब उससे सब बेच दिया, हमको हमारे लिए सोचा नहीं, या कहीं ना कहीं तो रिश्ते ऐसे ही होते हैं, अनुज के रिश्ते पैसों के लिए तो उससे जुड़े थे। तो मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि ये सबका नहीं दिखाना। हाँ बाकी देविका है, तब देविका कहाँ है कैसे है तो वो पता नहीं, पर ऐसा भी हो सकता था, निकलता रास्ता तो बहुत है, पर गलतियाँ भी तो दिखाना जरूरी है अनुज की, अनुज को गलत दिखाना और फिर गलती पे उसकी उस गलती का एहसास होना, ऐसा मुझे लगा। पर आज सबसे बुरा सीन, सबसे बेकार लगा, बहुत बुरा लगा अनुपमा से। अब ये उम्मीद नहीं है कि अब अनुपमा ऐसा करे। अनुपमा ने आज बा के लिए खाना बना के ले जाना बिल्कुल भी पसंद है। हाँ वहाँ गई ठीक है, वहाँ रुक रही हो और तुमको लगता है कि काम करना मर्जी से अगर किसी को खाना खिलाना तो गलत नहीं है, पर उन लोगों के लिए जो उनका उसका उस चीज़ का भी फायदा उठाते। तुरंत बा ने अनुपमा को कह ही दिया कि जब तक केस खत्म नहीं होता, जब तक तेरा ये जो नहीं होता तब तक तू जाए मत, लोगों को लोग जहाँ तू जाती है काम, लोगों को वहाँ पे भी तुझे बोलेंगे तुझे ऐसा तुझे ये जो भी। मेरी बा कभी भी अनुपमा के फेवर में नहीं बोलती, बा कभी अनुपमा के लिए नहीं बोलती, वो यही अपना ही मतलब कि जितने दिन हम रहे हमारे साथ अनुपमा अगर रह ली तो हमारी आराम से भाई हमको अच्छा खाना मिल जाएगा दोनों समय का, जो किंजल नहीं कर पा रही। या अनुपमा कैसे फेवर लेती है किंजल का कि किंजल खा को टाइम नहीं है। अरे दो लोगों का टाइम, जैसे अनुपमा की एज में अनुपमा सब काम कर सकती, डांस भी कर सकती, ये भी कर सकती, सब कर सकती, जो कि इतना दुखी होती है किंजल के खाना नहीं बना सकती दो लोगों का। और वो लाएंगे ना बाकी के लोग जिनको है, जो बाहर का खा सकते वो अपने लिए मंगवा ले खा ले भाई। तो यहाँ मुझे ये अनुपमा का अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। हाँ पर रिमोट कंट्रोल वाली बात से हंसी भी आई और आपकी याद भी आई अंजू जी, क्योंकि वो डायलॉग हमेशा आपका मैंने सुना। और तो मुझे वही आपको पब्लिक कमेंट्स में वो वाइस लाइव में भी वही कहना चाहती थी कि आपकी याद आई और आपका था। तो यहाँ वो हंसी आ गई थी कि मेकर ने अंजू जी का डायलॉग अनुपमा को दे दिया, तो फनी था वो, थोड़ा सा अच्छा लगा सुन के वो डायलॉग भी। और सही बात कही उसने अनुपमा ने इस डायलॉग के माध्यम से बा को, पर वो नहीं अच्छा लगा अनुपमा का बा के पास फिर से जाना क्यों नहीं अच्छा लगा। पर ये वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बा खाना बनाती है, देखते हैं हम इंडिया में भी देखते हैं तो मिलके बना लो ना, किंजल को थोड़ी मदद कर दो। और वनराज बैठा ही है, तोशु पगला है, तोशु भी बैठा है, उनसे थोड़ी सी मदद ले लो, सब्जी काट दो, ये कर दो, वो कर दो, कर सकता है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये अनुपमा का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और अभी अनुपमा का बर्थडे सेलिब्रेट होगा, तो ये 18 फरवरी को अनुपमा का बर्थडे था और बाबूजी ने डेट्स क्लियर की थी उस टाइम जब वो अनुपमा का 45 ईयर वाला जो बर्थडे रहता है तब 18 फरवरी इन्होंने बाबूजी ने क्लियर की थी। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये 18 फरवरी है, तो देखते हैं विषयों में आगे क्या होता है, थोड़ा है धमाकेदार। हाँ यहाँ पे दीपू की बात क्लियर हुई है आज दिया के माध्यम से, तो अनुपमा ने उस पर थोड़ा सोचा पर उसको अभी उसने ध्यान नहीं दिया, पर वो सामने आएगा। तो ये सब सीन क्रिएट तो होने बाकी है अभी यहाँ पे। और वहाँ वो अच्छा लगा इसका बापूजी और इनकी बातें थोड़ी ठीक ठाक लगी, थोड़ा सा कि चलो वहाँ पे सब थोड़ा सा कंट्रोल में है, वनराज नहीं है वहाँ, इसलिए बाकी का ठीक है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू जी, दिस इज रीटा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज। आज शो की शुरुआत में दिखाया अनुपमा कम्स बैक टू द रेस्टोरेंट, अच्छा लगा कि वो किंजल के घर नहीं रुकी, वो यही सोच रही होती है और कान्हा जी से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि चोर का पता जल्दी से चल जाए, क्योंकि उसे
ये सोच सोच के ही तकलीफ हो रही है कि अनुज को कितना सुनना पड़ा होगा, उसकी कंपनी को कितना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, यशदीप सर के रेस्टोरेंट का नाम खराब हो गया है उसकी वजह से। और जैसा कि मैंने एक दिन पहले कहा था, जब अनुज पुलिस स्टेशन में नहीं था, जब बेल हुई थी, कि इन कहीं अनुज इंडिया तो नहीं चला गया, एंड आई वाज राइट, लाइक इंडिया, अनुज इंडिया में पहुंच गया है, इंडिया पहुंच गया है। और वहाँ वो श्रुति और आध्या से मिलता है, आध्या इज़ वेरी हैप्पी, श्रुति इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी, और श्रुति बस यही पूछती है कि जाने के लिए तो नहीं आए, प्लीज़ मत जाओ, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। अनुज कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे ही हूँ। इतने में उसको फ़ोन आ जाता है और वो वकील का होता है, वकील बताता है कि अनुपमा को बेल मिल गई है, शी इज़ आउट ऑफ द जेल। तो अनुज इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। देन ही कॉल्स हिज ऑफिस, और वहाँ पे वो कहता है कि उसको सारी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी के फुटेज भेजे ताकि वो पता लगाए। नाउ आधिया लुक्स इनटू इट, वो देखती है कि इसके पॉप्स कर क्या रहे हैं, एंड देन शी गोज बैक टू दी रूम श्रुति के पास। उधर शाह फैमिली में एवरीथिंग इज़ नाइस, एवरीथिंग इज़ गुड, पॉजिटिविटी है, क्योंकि दो बैड ओमेंस वो वहाँ नहीं हैं जो नेगेटिविटी फैलाते थे। बच्चे भी खुश हैं, अंश काफ़ी सुधर गया है, अपनी माँ के काफ़ी क्लोज होता जा रहा है। डिम्पी इज़ वेरी हैप्पी, डिम्पी को खुश भी होना चाहिए, क्योंकि कम से कम बा और वनराज जो वहाँ नहीं है, उनकी वजह से अंश उसके करीब तो आया। अनुपमा अगेन शी गोज बैक टू किंजल्स हाउस। समझ में नहीं आता खाना बना के ले जाने की क्या ज़रूरत थी बा के लिए और परी के लिए। दैट किंजल कैन हैंडल, लेट बा डू द कुकिंग। बट ये अच्छा लगा कि वो वहाँ रुकी नहीं, वापस रेस्टोरेंट आ जाती है, एंड अनुज को पता लग जाता है कि तोशु इज़ द वन जिसने चोरी की और नेकलेस को अनुपमा के पर्स में डाल दिया। अनुज कॉल करता है अनु को और बता देता है कि तोशु ने ही ये काम किया है। अनुपमा बहुत टूट जाती है, बहुत रोती है। प्रीकैप में दिखाते हैं कि अनुज इज़ बैक इन यूएस, एंड वो अनु को कहता है कि उसे अपने ज्वेलर मिस्टर जावेरी से बात करनी है ताकि केस वापस ले लें। मुझे ये देख के बहुत सैड लगा अनु के लिए, अनुज के लिए, कि उसका एक पाँव इंडिया में और एक पाँव यूएस में। पुअर थिंग, आई मीन लाइक पूरी तरह से उसके इतने फंसा हुआ है वो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड हाउ इट गोज। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने अच्छे लवली कमेंट के लिए दिल से थैंक यू। अंजू जी, आज मैं पहले अनुज के बारे में कुछ कहूँगी। जैसे ही मैंने मैंने कल भी कहा था कि अनुज इंडिया में है, और आज जब वो इंडिया में आया और जब उसने फ़ोन पे बात भी की, तो अनुज खुद ही दीपू जी के सहारे छोड़कर इंडिया आया। अब अनुज को जलन क्यों हो रही है? और आज जब अनुज आया, और वो सही कहा अनुज ने कि मैं तुम दोनों के लिए ही आया हूं। आद्या सेल्फिश है, अनु अरेस्ट हुई उसकी चिंता नहीं थी, पर अनु अनुज मजाक कर रहे होंगे वो बोल रही थी। अनु अरेस्ट न्यूज से कोई अनु अरेस्ट हुई अनुपमा, उस न्यूज से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। श्रुति ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आज अनुज ने साबित कर दिया कि उसकी पहली प्रायोरिटी श्रुति और आद्या है। रहो अनुज, तुम ना श्रुति से शादी कर लो, तुम्हारी बेटी और श्रुति हैप्पी फैमिली बनकर रहो, क्योंकि ये नाटक करना क्या अनुज एक बार बोल नहीं सकता था कि तुम्हारा दोस्त हूँ और जब मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है तो मैं कैसे नहीं आता। अरे वाह आद्या, पापा को देखकर अचानक से पापा पर प्यार आने लगा, प्यार का स्विच ऑन हो गया। अरे वाह, अनुज को देखकर श्रुति का नाटक शुरू हो गया, अब वो पहले से भी बेहतर दिख रही है। लेकिन इस श्रुति और आद्या को पता नहीं है कि उसके पापा इंडिया आना कितना भारी पड़ गया है। वहां उस मिस्टर जवेरी ने केस कर दिया अनुज पे, जो हमने प्रीकैप में देखा कि अनुज वापस आया है। अनुज उनका कहना कि अनुज भाग गया है। देखो तो दादी अम्मा चुप चुप कर अपने पापा पे नजर रख रही है कि हकी कहीं पापा अनुपमा से बात तो नहीं कर रहे। इस सिचुएशन के बाद भी अनुज को कुछ भी याद नहीं आया, वो आराम से इंडिया आ गया। सही है, करो अनुज श्रुति की सेवा। और अनुज का कहना, मैं तुम दोनों के लिए ही आया हूँ। सही कहा अनुज ने, अपने आदमी से कहा कि मुझे सारी सीसीटीवी फुटेज भेजो। और जब अनुपमा के बारे में बदतमीजी से बात की तब अनुज का उसे डांटना अच्छा लगा कि रिस्पेक्ट से नाम लो उनका, मिसेस जोशीबेन बोलो या अनुपमा जी या अनुपमा मैम बोलो, लेकिन रिस्पेक्ट से बोलो। अनुपमा ने चोरी नहीं की है, जिसने भी मेरी अनु को फंसाने की कोशिश की है उसका मैं पता लगा कर ही रहूँगा, उसका जीना हराम कर दूंगा। अनु जीना हराम कैसे करोगे, वो तोशु है। एक पल के लिए अनु तोशु के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएगा, लेकिन इस बार अनु नहीं छोड़ेगी। आज डिम्पी बापूजी काव्या की बातें अच्छी लगी। बापूजी सिर्फ बोलते हैं, एक्शन कभी नहीं लेते। बोलने से कुछ नहीं होता, करके भी दिखाना पड़ता है बापूजी। कभी भी वनराज या बा को चुप कराया ही नहीं है, नहीं पाए, सिर्फ तमाशा देखते। आज डिम्पी को इतना खुश दिखकर अच्छा लगा। आज मुझे अनुपमा अनुज वाला सीन याद आ गया, जब उनकी शादी होने वाली थी और पाखी नाराज थी, और जब अनुज ने समझाया था तब वो अनु के पास जाकर बात करती और कहती है कि मम्मी मेरे पास सारे कपड़े हैं, लेकिन शादी के लिए मुझे लहंगा लेकर देना। तब इसी तरह अनुपमा भी बहुत खुश हुई थी और अनुज से बातें करती थी। इतनी खुश होती है जैसे आज डिम्पी है। सच में आज जाकर डिम्पी को अपने बेटे का प्यार मिला है। बापूजी ने सही कहा कि अपने बेटे को इतना प्यार दो कि कोई भी आए, तुम्हारा बेटा तुम्हें चाहकर भी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट ना करे और उसे पता चले कि माँ क्या होती है और माँ की अहमियत क्या है जिंदगी में। और आज टीटू भी बहुत खुश है डिम्पी को देखकर, सुनकर अच्छा लगा। ये भी सीन दिया ने आज 100% की बात कही है कि भरोसा है तुम पर। अनु का कहना कि मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तब दिया ने कहा कि भरोसा है तो सबूत की जरूरत नहीं होती है, भरोसा ना हो तो हर सबूत भी कम पड़ता है। मुसीबत में तुम्हारी इतनी भी मदद ना कर सकूं तो क्या ही फायदा। इस स्कूल का 2 बैचेस की जिम्मेदारी अनुपमा को दी है दीपा ने, अच्छा लगा। लेकिन फिर भी दीपा की फिर से वही बातें दीपू जी को लेकर अनुपमा को सच में क्लियर करना चाहिए अब, लेकिन वो भी अब कब करेगी वो देखते हैं, लेकिन वो करेगी जरूर। तब दिया का कहना कि यशदीप ने बहुत भागदौड़ की है, लेकिन खर्च बहुत बहुत पैसे लगे होंगे, दीपू जी ने खर्च किए होंगे। अनुपमा ने अच्छा किया जो
उसने पता नहीं पैसों का इंतजाम कहाँ से किया होगा, उसके पास पैसे नहीं है, पता नहीं उसने बीजी के जेवर, तब अनुपमा टेंशन में आ जाती है। और आज अच्छा किया अनुपमा ने जो फिर से स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट में वापस आ गई, चाय बनाई और चाय पीते पीते उसे सारी बातें याद आ रही है। तभी अचानक वो अनुज के बारे में सोचती है कि मैं जब बाहर आई तब बीजी और दीपू जी थे, अनुज नहीं थे, कहीं मुझे बचाने के चक्कर में वो मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। इतनी मुश्किल से भरोसा करके अनुज ने तोशु को जिम्मेदारी दी थी, उनकी कंपनी का भी नाम खराब हो गया। और देखो आज भी वो सिर्फ अनुज के बारे में सोच रही है, जबकि अनुज ने एक पल के लिए भी अनुपमा जब वो बाहर आ जाए तब चला जाएगा ये भी नहीं सोचा और पहले ही चला गया। शॉक लगा उस टाइम मुझे जब मैंने वो सीन देखा, और जब वकील ने कहा अनुज से कि अनुपमा जी की बेल हो गई, मैं शॉक हो गई कि अनुज उससे पहले ही आ गया। और उस दिन का इतना प्यार दिखाया, इतना गाना चला, सब हुआ, वो सब क्या था, सिर्फ अनुज का नाटक। यहाँ अनुज की सीसीटीवी फुटेज देख रहा है, लो मिल गया गुनेगार, साफ साफ दिख रहा है कि तोशु अपने माँ की बैग में हार रख रहा है और तुरंत अनु को फोन करता है और बताता है। लेकिन देखो यहाँ पर भी जैसे ही अनुज का फोन आता है अनुपमा तुरंत पूछ लेती है आप ठीक तो हो। ये होती है केयर कि खुद के साथ इतना हुआ लेकिन फिर भी आज भी वो अनुज की ही फिक्र कर रही है और उससे पूछ रही है कि आप ठीक तो हो, क्योंकि वो मिला ही नहीं जब वो बाहर आई उसके बाद एक भी बार। आज भी फिक्र है अनुज की। जब वकील का फोन आया कि अनुपमा जी को अब अनुज वापस आकर अनुपमा को सहानुभूति दिखाने का फेक लग रहा है, आज साबित हो गया कि अनुज की पहली प्रायोरिटी हमेशा आद्या और श्रुति ही रहेंगे। बेल दीपू जी ने करवाई है और पेपर वर्क पर सिग्नेचर अनुज की है। और आज जो आपका सुबह रिव्यू आया कि खुद दीपू के भरोसे छोड़ गया अपनी अनु को अनुज इस मुसीबत में, फिर किस बात की जलन। अनुज वापस आया है क्योंकि मिस्टर जवेरी ने अनुज की कंपनी पे केस किया है। आज भी जब वो अनुपमा से मिलता है तब भी उसने कहा कि मैं मिस्टर जवेरी से बात करूं जो हमने प्रिकेप देखा, तब अनु ने कहा कि तोशु को सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन अब मैं चाहूंगी वैसा ही होगा, तोशु सबके सामने अपना जुर्म कबूल करेगा, अब दिखेगी मदर इंडिया वाली अनुपमा। और ये रूप देखकर अनुज भी शॉक्ड होगा क्योंकि आज तक उसने यही देखा है कि बच्चों के लिए अनुपमा सबको माफ करती है, लेकिन इस बार नहीं करेगी। और सच में ये रूप देखना हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात होगी कि माँ को भी अपने बच्चे को पनिशमेंट देने का हक है, जब तक उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती तब तक वो सुधरेंगे भी नहीं। और आज भी किंजल को पूरा शक है और जिस तरीके से वो परी के बारे में बातें कर रहा है उससे उसका शक और बढ़ता जा रहा है। जैसे वनराज बोल रहा था कि पहले से ही किंजल को तोशु पे शक है और इसकी बातों से उसका शक और बढ़ता जा रहा है। और आज काव्या ने फोन किया तो वनराज ने फोन भी नहीं उठाया। वनराज तुम्हारी औलाद सिर्फ तुम्हें, जैसे तुम हो ना वैसे तुम्हारी औलाद है। और अब तुम्हें पता चलेगा कि जब औलाद ऐसी होती है तो कैसा लगता है और कैसा जलील होना होता है, होना पड़ता है। यहाँ तोशु और वहां पे पाकी तुम्हारी कब्र खोद ही रही है। लेकिन सच में आज मुझे अनुज पे बहुत गुस्सा आया कि कम से कम उसकी जमानत होने देता, वो बाहर निकल आती फिर चला जाता। अगर खुदा ना खास्ता अगर अनु की जमानत नहीं होती तो वो नहीं बाहर आ पाती, तो क्या अनुज खुद को माफ कर पाता? नहीं कर पाता। लो अब श्रुति से वादा तो कर ही लिया है कि मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए आया हूं, और श्रुति का नाटक शुरू कि मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, इस तरीके से तो नहीं आए हो कि भाई आया हूं खबर पूछता हूं और चला जाता हूं। क्या नाटक है इस लड़की का, खुद कहती है मैं हैंडल नहीं कर पाई, मुझे हैंडल करना था तुम्हें बता के आई थी कि हैंडल कर लूंगी लेकिन नहीं कर पाई।
भैया अनुज तुम शादी कर लो और ये सब खत्म कर दो, बहुत हो गया। अब देखते हैं अनुपमा का बर्थडे कौन मनाता है, अनुज को अनुपमा का बर्थडे याद भी है या नहीं वो भी देखना है। याद तो होगा जब 26 साल और ये 3 साल शादी के और अब ये 5 साल, पूरे 33 साल में नहीं भूला तो अब भी नहीं भूला होगा। देखते अब आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और कल के सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे, थैंक यू अंजू जी। और हाँ महिमा, तुम्हारी बेटी को विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था और थोड़ा निराश भी कर गया। आज जैसे हम सब ने सोचा था कि अनुज इंडिया नहीं जाएगा, बट वो चला गया, जिससे बहुत दिल दुखा। मुझे लगता है कि शायद वो अपनी बेटी के लिए गया होगा, जो कि आद्या का फ़ोन टूट चुका था तो कॉल शायद नहीं लग रहा था, तो फिर अनुज चला गया होगा। दूसरा पॉइंट मेरा ये कि अनुज श्रुति का बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो उसे इस हालत में छोड़ नहीं सकता था। जब आद्या ने वीडियो कॉल में अनुज को बताया था कि श्रुति को होश तो आ गया है पर उस पर मेडिसिन कोई असर नहीं कर रही है। और रही बात अनुपमा की, तो अनुपमा अपने अनुज को जानती है, वो अनुज का हर दुख सुख समझती है और अनुपमा ने हमेशा अनुज को कभी भी गलत नहीं समझा। आज भी अगर अनुपमा को पता चलता कि श्रुति हॉस्पिटल में है तो अनुपमा खुद अनुज को भेजती कि आप वहाँ जाओ, वहाँ आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आज मुझे दीपू गलत लग रहा है, जब दिया ने कहा कि जब अनुपमा से बात करती है कि दीपू बहुत परेशान हो गया था, वो कहता था कि मुझे अनुपमा को बचाना ही है, उसके पास पैसे नहीं थे, शायद बीजी के गहने बेच दिए हों, ये सब बातें मुझे कुछ ठीक नहीं लगी दिया की कि क्या अनुपमा को कहने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अनुज को जब वकील का फ़ोन आता है तो उसको कहना कि दीपू ने आपको बताया नहीं होगा कि अनुपमा की बेल हो गई है। फिर अनुज का कहना कि जो भी उसने फीस के बारे में कहा, अकाउंट कॉल बारे में कहा, कि मुझे लगता है कि ये सब अनुज ने ही किया है, अरेंजमेंट जो भी किया हुआ होगा। मुझे तो दीपू अपने नंबर बनाता हुआ दिख रहा है कि वो अनुपमा के सामने जताना चाहता है कि ये सब मैंने किया है, अनुज ने कुछ भी नहीं किया है। दीपू मान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करता नज़र आ रहा है, जो कि वो अपनी जगह बना पाए। ऐसे तो मान में गलत फहमियाँ हो ही जाएंगी अगर ऐसे करता रहा तो। आज श्रुति ने कहा कि अनुज से कि तुम वापस मत जाना, जब तुम जहाँ हमारे पास ही रहना। जो श्रुति को अपने माता पिता के चले जाने से ज़्यादा दुख तो मुझे अनुज के जाने से लग रहा है, उसे तो अपने माता पिता का दुख मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, उसे सिर्फ अनुज की पड़ी हुई है कि अनुज तुम कहीं मत जाना मुझे छोड़कर, अब वापस मत चले जाना। और जब तक मुझे लगता है कि ये श्रुति का ट्रैक ख़त्म नहीं होगा तब तक मान नहीं मिलेंगे। श्रुति ये सब नाटक कर रही है जो अनुज उसकी बातों में आ रहा है। आज फिर से अनुपमा का बा के लिए खाना लेकर जाना और फिर से इतनी बातें सुनना, चाहे अनुपमा ने बा को जवाब ज़रूर दिया पर तुम गई ही क्यों थी वहाँ पर, अगर तुम खाना लेकर ना जाती तो क्या वो खाना नहीं खाते। तुम्हें अब भी समझना चाहिए अनुपमा कि ये लोग वही हैं जो तुम्हें देखने तक नहीं आए, जिन लोगों ने तुम्हारी बात तक नहीं पूछी, फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। और प्री कैम में देखा तो अनुपमा के जन्मदिन की बातें हो रही थी, दीपू और स्टाफ सब कर रहे थे। आज अनुपमा जब आती है तो मुझे कुछ अनुपमा कन्फ्यूज़ ही लगी, पता नहीं क्या हुआ होगा, कहीं फिर से शाह वालों ने उसे कुछ कहना दिया हो। और आज अनुज ने भी कॉल करके अनुपमा को बता दिया कि चोरी तोशु ने की है और अनुपमा शॉक्ड हो जाती है। अब अनुज भी वापस आ ही गया है अमेरिका, अगर उसे फिक्र ना होती तो वो वहाँ ही रहता जहाँ अपनी अनुपमा के पास ना आता। अब अनुपमा तोशु को तो छोड़ेगी नहीं, उसने अनुज से भी कहा है कि आप अब कुछ मत कीजिए, जो भी करना है मैं करूँगी। अब मुझे लगता है कि अनुपमा अपना रूप ज़रूर दिखाएगी इस तोशु को, आगे देखते हैं मैम क्या होता है। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना था। गुड आफ्टरनून रंजू दीदी, महिमा, आज का एपिसोड देखा, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुई। मुझे पता नहीं था कि अनुज सच में इंडिया पहुँच जाएगा, ऐसे भी आप लोग का वॉइस नोट में बात हो रहा था, मतलब लाइव वीडियो में बात हो रहा था कि वो इंडिया में है। आई कैंट बिलीव इट। प्यार करना और प्रायोरिटी देना दोनों अलग होता है।
लेकिन अनुपमा ने तो हर तरफ से अनुज को प्रायोरिटी दी है। कोई कहने के लिए कहता है कि प्रायोरिटी नहीं दी, मैं एक एक चीज़ गिनवा सकती हूँ मैम कि सोचने में भी अनुज के जितने भी फैंस हैं वो कहेंगे कि नहीं इट्स राइट, इट्स नॉट अ रॉन्ग। आज सच में जो फैंस लोग जो उल्टा पुल्टा बातें कहते हैं कि अनुज सही है अनुज गलत नहीं है, तो मैं किस स्टेज पे मानूं कि अनुज गलत नहीं है। आई डू नॉट थिंक इस कि जब वो फर्स्ट प्रायोरिटी जब देने की बात आई थी शादी का, पहले का बता रही हूँ कि जब वो चोर लोग आके एक दूसरे से बातें हुए थे, उन लोग अपने काम के लिए बाहर आए थे, तो उसने कहा कि पता नहीं कब मौत हो जाए कब ना हो जाए, लेकिन आज मैं एक ये बात अपने मुंह से कहकर रहूँगा अनुपमा आई लव यू अनुपमा आई लव यू अनुपमा। तो उसने खुद सोचा कि आज ही मैं फोर्स मतलब मैं भी आज बोल ही दूँ, लेकिन बोली नहीं। वो उतने दिन में गुंडे ने हमले कर दिए और फिर उसके बाद झगड़े होने के बाद इतने वायलेंस होने के बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो अनुपमा रेस्ट तक करने नहीं गई, अपने घर में एक सांस बैठी रही वो कि नहीं वो ठीक हो जाए फिर मैं जाऊंगी, और यहाँ तक कि घर जाकर उसका सेवा करके उसको मतलब ठीक कर उसका उसके घर में रहना, उसके हाथ मतलब मुक्कू को रिक्वेस्ट करना कि अब प्लीज़ अनु रुक जाओ ना, तुम्हारे बिना हम लोग का क्या होगा, मीन्स इतना क्लियराइज्ड होना, इतना सेवा करना, क्या वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था? और क्या वो जो क्या बोलते हैं जब डांडिया फंक्शन हुआ था, जब शादी नहीं हुआ था तब भी फर्स्ट प्रायोरिटी दी अपने बात से अपनी पूरे मंडली के सामने झगड़ा करना कि मेरा दोस्त है आएगा खाना खाएगा सब कुछ करेगा सब मतलब चाय पे भी आएगा ऐसे भी आएगा वैसे भी आएगा, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बात करके अनुपमा ने संभाली थी, उसे प्रायोरिटी नहीं दी अनुज को, प्रायोरिटी नहीं दी मतलब हर स्टेज में उसे प्रायोरिटी दी। और आज बेटी को क्या मिल गई, बेटी को प्रायोरिटी पहले, बेटी और श्रुति पहले नंबर पे आती है और वो थर्ड नंबर पे। मुझे तो हैरान है कि वो अनुज का पाड़िया कहाँ गया जो सिर्फ अपने लाइफ में अनुपमा को चाहता था और कुछ भी नहीं चाहता था कि मैं अनुपमा के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। और आज मतलब क्या ये क्या सेंसी ह्यूमर है या सेंस ह्यूमर है कि रियलिटी में भी बोलो या क्या बोलते हैं जस्टिफिकेशन बोलो कि ये लोग क्या समझते हैं। आई डो नॉट थिंक मेकर्स को पता नहीं कुछ लिखना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस गोल गोल करके घुमा के कि आज मान को मिलाएंगे कल मान को मिलाएंगे करके ऐसे करके दिखाया जा रहा है कि टीआरपी बढ़ते रहे और हम लोग के इमोशंस के साथ खेलते रहें। बस यही चीज़ मैं कहूँगी मैम। और एक चीज़ कहूँगी कि बीजी और दीपू जी हैं उनका सच में ये पॉजिटिव वर्सन जो मैं देख रही हूँ, यशदीप जी जो है वो मतलब जो जेल से निकालने के लिए शायद दिए होंगे इनकम, ऐसा नहीं है क्योंकि बीजी ने कहा था कि जितना भी पैसा लगता है या जो भी लगता है वो दे दाके अनुपमा को बाहर निकालो, रात वहाँ नहीं बीतनी चाहिए। अगर बाई हुक एंड बाई कुक मैम अमेरिका का जो मतलब स्ट्रिक्टली है अगर उसे छुट्टी नहीं देता तो शायद जेल में अनुपमा का दम ही तोड़ देती। तब पारितोष जी प्लस इधर अनुज जी सबके सब ये नहीं बोलते कि काश हम लोग होते तो उसको निकाल लेते, कुछ हो जाता नहीं होता, लेकिन कैसे। मैं तो सच में इस बार कहूँगी कि अनुपमा को कि शादी तो किसी से करना मत, लेकिन अपने आप को खड़ा करके दिखाना कि मैं भी कोई चीज़ हूँ। पर अमेरिका लाकर भी उसको ऐसा स्टेज दे दिया कि कम से कम शाह हाउस में थी, कमाती थी तो थोड़ा तो रहता था कि वो देती है, लेकिन यहाँ पे तो कमाने के बावजूद भी वो इतनी प्रॉब्लम्स में आ रही है कि मुझे कहना ही नहीं पड़े कि कितनी तकलीफ़ में है वो। अनुज सोती भी तकलीफ में नहीं है, सिर्फ पाट पट बना हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ में तो अनुपमा है।
और एक चीज और गिनाऊंगी अनुज कपाड़िया को कि समर अपना बलिदान देकर गया है आपके लिए कि मेरी माँ का सुहाग बचा रहे, चाहे मेरा सुहाग चला गया, मेरे बच्चे, मेरा होने वाला बच्चा बिन बाप का रह जाए, लेकिन आपके लिए उसने अपने आप को ख़त्म कर डाला। लेकिन ये प्रयत्न आपको याद ही नहीं है लगता है। अनुपमा नहीं कहेगी, लेकिन हम पूरे पूरे ये जो नहीं बोलना चाहिए था मैम, लेकिन आज ये बात हमको बोलना पड़ रहा है कि समर का डेथ हुआ था। समर यही चाह रहा था कि देखो मेरी मम्मा का सुहाग नहीं उतर जाए, क्योंकि मम्मी का फर्स्ट तो चला गया, हस्बैंड सेकंड हस्बैंड चला जाएगा तो मम्मी पूरी टूट जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता है कि मर्दे चाहते क्या हैं। इनके अंदर सिर्फ क्या बच्चे प्रायोरिटीज है, बच्चों के लिए क्या माँ को साइड कर देते हैं? मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको इसी तरह का दिखाना है तो प्लीज़ मत दिखाइए मेकर से, हम लोग को बहुत पेन होता है। और ये लोग का कुछ का पर्सनल झगड़ा है या पता नहीं, जो अनुजु दीदी और हम लोग को जो सोशल मीडिया में बात आ रही है कि इन लोग में बन नहीं रही है, बात नहीं हो रही है, तो बात बन नहीं रही है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी के इमोशंस, आम जनता के इमोशंस के साथ उन लोग खेले। या थोड़े देर के लिए इस सेटअप को हटा दिया जाए कि अनुज को साइड कर दिया जाए या अनुपमा को ऐसा कुछ कर दिया जाए कि नहीं मिलते हैं तो समझ में आए, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत दिखाइए। आई विल हर्ट फीलिंग अस। थैंक यू अंजू दीदी, और आपका इतना सारा अप्रिसिएशन के लिए, मतलब जो आप बताती हैं, जो समझाती हैं, उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। और सीमा, छोटी सीमा, रीता दीदी एंड कुमुन त्रिपाठी दीदी, आप लोग का सबका सच में बेहतरीन, बहुत अच्छा होता है। मैं कमेंट लिख नहीं पा रही हूँ इसलिए आई एम वेरी सॉरी। कुमुन त्रिपाठी दीदी, ख्याति दीदी, मैं लिखना चाहती हूँ पर लिख नहीं पा रही हूँ, वेरी वेरी सॉरी ऑल ऑफ यू। लेकिन सच में आप लोग का बहुत अच्छा से होता है। थैंक यू ऑल टुगेदर, बाय। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ भेजने के लिए। तो आगे भी ऐसे ही भेजते रहिए, हम एक फैमिली की तरह हैं और फैमिली की तरह ही एक दूसरे को याद करते हैं, तो बढ़िया है ऐसे ही साथ बना रहे। और जिनका साथ अभी नहीं बना है, अभी तक उन्होंने रिव्यूज़ नहीं भेजे हैं, उनको लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पर भेजिए अपने ऑडियो या फिर वीडियो। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.